भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के आदेशानुसार जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह, जिला महासचिव राजेंद्र चौधरी, गांव प्रधान भुम्मा कपिल चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी धर्मोद चौधरी, दिल्ली में काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों की मदद सहयोग करने के लिए दिल्ली जाने को तैयार थे। उसी समय जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह को उनके साथ मौजूद पदाधिकारियों को गांव भुम्मा में उनके आवास पर पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया। समर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली में काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोई मदद पहुंचे। ये सरकार की तानाशाही है। जैसे ही मौका लगेगा मैं और मेरे साथ मौजूद पदाधिकारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद को दिल्ली जरूर जाएंगे और किसानों की लड़ाई में उनका साथ देंगे। आज क्या प्रोग्राम था? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी का कल आदेश हुआ था कि 5 प्रतिनिधिमंडल हमारा दिल्ली जा रहा था आज, भारतीय किसान यूनियन तोमर का। उसमें मैं मुख्य था, समर सिंह चौधरी जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष। तो रात ही जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया और जाने नहीं दिया जा रहा।